Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul, I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश, All India Institute of Medical Sciences ऋषिकेश, यहाँ पे Master of Public Health, MPH Entrance Exam के लिए नोटिफिकेशन आया है. इस संबंध में आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स हैं MPH कोर्स में एम्स ऋषिकेश के, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी. और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET PG, राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी, निमहांस, जिपमेर, TISS, PGIMER आदि के MPH इंट्रेंस एग्जाम और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे. वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जो अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स हैं इसके बारे में बताऊंगा. ये प्रोस्पेक्टस है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश प्रोस्पेक्टस जनवरी 2023 सेशन MPH कोर्स. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड फी थ्रू रजिस्टर्ड और पोस्ट और स्पीड पोस्ट 2012-2022 5 PM. तो जो लास्ट डेट है सबमिशन करने के लिए एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और फी के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा ये 2012-2022 5 PM तक है. तो जो फॉर्म भरना है वो वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके उसको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है और लास्ट डेट 20 दिसंबर 2022 है. तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें ताकि जो उनका फॉर्म है वो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से सेट टाइम तक पहुंच जाए. इसको ऑनलाइन नहीं भरना है, ऑफलाइन फॉर्म भेजना होगा. और इसकी जो एप्लीकेशन फीस है SC ST EWS के लिए ₹1200 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज एज एप्लीकेबल और अनरिजर्व OBC के लिए ₹1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज एज एप्लीकेबल. PWD एग्जम्प्टेड फ्रॉम एनी फी. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स इस कोर्स के लिए अवेलेबल है इस वीडियो में संबंध में जानकारी दी जाएगी. इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी है. 20 दिसंबर 2022 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसको फॉर्म को डाउनलोड करके ऑफलाइन इसको भेजना होगा. तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो मैं बता रहा हूँ और इस कोर्स में जो सीट्स अवेलेबल है वो बता रहा हूँ. नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स, इसेंशियल क्वालिफिकेशन सीट्स. पहला जो मेडिकल के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है MBBS और BDS और आयुष अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया डिग्री. तो जिन कैंडिडेट्स के पास MBBS या BDS या आयुष अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया की डिग्री है वो मेडिकल स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं. और नॉन मेडिकल, जिनके पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम लाइफ साइंसेज. जिन कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में लाइफ साइंसेज में, तो जो BSc के कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं BSc. और जिनके पास अलग अदर लाइफ साइंसेज की डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं जो नॉन मेडिकल में आएंगे. इन दोनों के लिए जो सीट्स हैं वो 13 सीट्स हैं. इसमें अनरिजर्व के लिए 6 सीट्स हैं, OBC के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 1. इसके बाद दो एलिजिबल कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड जो हैं उनके लिए जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है MBBS और BDS और आयुष और हेल्थ साइंसेज डिग्री विद 3 ईयर्स वर्किंग ऑब्लिक इन हाउस कैंडिडेट्स वर्किंग इन AMS ऋषिकेश और एनी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. तो जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 2 सीट्स हैं और उनके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी वो होगी MBBS या फिर BDS या फिर आयुष या फिर हेल्थ साइंस डिग्री विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस. तो जिन कैंडिडेट्स के पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या इन हाउस कैंडिडेट्स वर्किंग इन AMS ऋषिकेश, जो कि इन हाउस कैंडिडेट्स हैं जो कि AMS ऋषिकेश में या फिर किसी अनियर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए 2 सीट्स हैं. टोटल यहाँ पे 15 सीट्स हैं. तो यहाँ पे जो नोट है, ऑल एप्लीकेंट्स आर हेयर बाय इंस्ट्रक्टेड टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस इन द
प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली। तो जो सभी जो एप्लीकेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो रीड कर लें टर्म्स और कंडीशन को। इन द प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस में इंक्लूडिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको केयरफुली पढ़ लें फॉर्म फिल करने से पहले। ऑल कैंडिडेट शैल बी प्रोविजनली अलाउड टू राइट द एग्जामिनेशन स्टेज वन। स्टेज वन के एग्जाम के लिए सभी कैंडिडेट्स को प्रोविजनली अलाउड किया जाएगा। हाउएवर एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड लेटर इन द एप्लीकेशन। जो अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है बाद में एप्लीकेशन में, शैल डिबार यू फ्रॉम अपेयरिंग इन द स्टेज सेकेंड ऑफ एग्जाम डिपार्टमेंटल असेसमेंट। तो अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो जो स्टेज सेकेंड का एग्जाम है जो कि डिपार्टमेंटल असेसमेंट है और एडमिशन टू द कोर्स एज द केस में भी, तो अगर स्टेज सेकेंड का जो एग्जाम है उसमें फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छी तरह पढ़ लें। नोट है यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग है। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन बेस्ड ऑन एनी पीरियोडिक डायरेक्टिव्स फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है वो सब्जेक्ट टू वेरिएशन है बेस्ड ऑन एनी पीरियोडिक डायरेक्टिव फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इफ सुटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इन स्पॉन्सर्ड सीट्स सेम सीट्स विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू ओपन सीट्स। अगर सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं स्पॉन्सर सीट्स के लिए तो वो जो सीट्स हैं वो ओपन सीट से फिल होंगी। नोट है यहाँ पे नोट टू जो है ये ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 24/1/2022। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये प्रोड्यूस करना है 24 जनवरी 2022 टू 23/1/2023 24/1/2022 से 23/1/2023 का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा एज पर फॉर्मेट अटैच्ड एनेक्सा सेकेंड। EWS सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग EWS का जो सर्टिफिकेट है ये होना चाहिए 1/4/2022 टू 23/1/2023 एज पर फॉर्मेट अटैच्ड एनेक्सर 4। नोट 3 है क्वालिफाइंग डिग्री मस्ट बी ऑब्टेंड ऑन और बिफोर 23/1/2023। जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो ऑब्टेंड होनी चाहिए 23/1/2023 उससे पहले। एंड रिकॉग्नाइज बाय मेडिकल और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और AICTE। और ये जो डिग्री है ये रिकॉग्नाइज होनी चाहिए मेडिकल डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और AICTE के द्वारा। फॉरेन कैंडिडेट्स हु हैव देयर मेडिकल डिग्रीज रिकॉग्नाइज बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड टू रूट देयर एप्लीकेशन थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दीज कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज इंटरव्यू। वैकेंट सीट्स इन एनी ऑफ अबव कैटेगरीज मे बी कंसिडर्ड फॉर फिलिंग अप फ्रॉम अदर कैटेगरीज। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है एम्स ऋषिकेश के जो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH कोर्स है इसके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है और अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में जानकारी दी गई है। और जो कैंडिडेट्स एम्स ऋषिकेश एम्स रायपुर एम्स जोधपुर एम्स भुवनेश्वर CUET PG चिपमेर निमहांस TISS राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।